भाई जय श्री राम। जय श्री राम। वाह क्या नजारा है, एकदम बहुत बढ़िया नजारा है। लगता है कुछ सेल्फी भी लेना पड़ेगा। नमाज का वक्त हो गया, नमाज अदा करनी होगी। कहाँ पे करूँ वहाँ पे कर लेता हूँ। अरे ये मुसलमान यहाँ क्या कर रहे हैं? अब इसको सबक सिखाता हूँ। हेलो भाई, ये कौन है? क्या कर रहा है इधर? दिखता नहीं है क्या? दुआ कर रहा है। अरे भाई ये कोई जगह है क्या दुआ करने की? अरे भाई क्या हो गया? भाई इनको अक्ल नहीं है, ये लोग कहीं भी शुरू हो जाते हैं। अरे भाई वो दुआ कर रहा है, वो दुआ कर रहा है तो तुझे क्या तकलीफ है? वो कहीं भी दुआ करे, तुझे का बोलने का किसने अधिकार दिया? नाम क्या है भाई आपका? मेरा नाम कार्तिक है। अरे भाई आप तो हिंदू हो, आप तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। अरे ज्यादा हिंदू मुस्लिम मत कर, इधर ही नमाज पढ़ेगा वो। अपने तो कम से कम धर्म की तो लाज रखो। तुम्हारे जैसे लोगों के वजह से आज हिंदू धर्म पिछड़ रहा है। मेरे वजह से नहीं, तुम्हारे लोगों की वजह से देश पिछड़ रहा है। तुम लोग बस हिंदू मुस्लिम करते रहो, फायदा तीसरा लोग उठाएगा। और हिंदू मुस्लिम का सबसे बड़ा कारण ये गंदी राजनीति है। अरे भाई ये कोई जगह है कि नमाज पढ़ने की? तो हटो हटो, इसको हटो, मैं तो हटाऊंगा इसको, हटो हटो। सुन बे, भगवत गीता में, कुरान में, बाइबल में, तोराह में, भारत के संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है पूजा करने की और नमाज पढ़ने की। कहीं भी जगह नहीं लिखी है। कहीं भी पूजा कर सकता है, कहीं भी नमाज पढ़ सकता है। अरे बचाओ बचाओ। आपने इनका ज्ञान बचा दिया। आज आप तो नमाज पढ़ रहे थे, कुछ नहीं हुआ है। मेरी अम्मी जान कहती है अगर हम नमाज अल्लाह को अगर हम नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह खुश होता है, लेकिन अगर हम किसी को किसी की जान बचाते हैं तो अल्लाह ताला हमें जन्नत अदा फरमाते हैं। सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, दबा के शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।